अरे आपकी एंट्री ने तो सबको हिला के रख दिया है। कोको तो फिर रहा है ना, हमेशा से खतरों के खिलाड़ी। ये ले हाथ जोड़ दी। अब भी माफ नहीं करोगी तुम? माफ कर देने से क्या मेरी जिंदगी के वो कीमती साल वापस आ जाएंगे कभी? एक मिनट रुको। क्या हुआ? एक मिनट रुको रुको, कह रहा था कि रिश्ते से इनकार कर दो। क्या दिमाग खराब हो गया क्या उसका? शुक्र है तुम्हें नरम दिल और तुम्हारा, मैंने दिमाग ठीक कर देना था इनका। क्या हो गया तन्नो? ना वो देखे ना, ऐसे चवल लोग हैं, वो बात पक्के होने की तस्वीरें लड़के को दुबई भिजवाई हैं। तो ये अब्बा मियाँ के वो चवल का बच्चा कहता है कि मैंने बिट्टो से नहीं मानो से ब्याह करना है। हा? क्या मेरी बात करवाओ, मैं जरा लड़के के बाप से बात करता हूँ। अरे क्या बात करोगे तुम? हाँ कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता अपनी बहन की जगह, ये बात करोगे? अब्बा उनके कान तो खुलने चाहिए ना। कोई फायदा नहीं है, आदि गैर खानदानी लोग हैं ना। हिम्मत तो देखो इन लोगों की, एक पक्की उम्र के रीठे के लिए हाथ मांग रहे, वो भी मेरी मानो का। इतनी पक्की उम्र का रीठा ढूंढाए क्यों आपने? तेरी बखिया ना, मुझे लगता है कुकू से एक मांग रही है। चुप करके बैठा रही, हमारा आपसी मामला है। आपस का मामला नहीं है तन्नू आपा, उसकी जरूरत कैसे हुई? मेरी भांजी का नाम लिया उसने। अरे उस लड़के का अब्बू का नंबर तो दे मुझे, उसके दिमाग की सेटिंग दुरुस्त करके आता हूँ मैं। बस कर जाओ, कोई इस सिलसिले में किसी को फोन नहीं करेगा प्लीज। लेकिन अब्बा। अरे बस कर दो बेटा, मेरी बेटी कोई गिरे हुए खानदान की नहीं है कि लोगों के आगे मिन्नतें करता फिरूं मैं। लो जी बैठे बैठाए नवा पुआड़ा पै गया। तन्नो तुम्हें कहा भी था कि लड़के से मिले बगैर तस्वीर शेयर मत करो, मगर गरीब मुल्ला की अजान सुनता कौन है यहाँ पर? तो तुसी बह के दे लो ना बांगा, पूरा खानदान जो है वो सुन लेगा और बजा लेना साथ में बैठ के पोली पोली टोलकी। अच्छा भाई आप लोग ये सारी डिस्कशन करें, मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने जा रही हूँ। नाश्ता तो कर लो। नहीं मैं ठीक हूँ। ओके अब्बा मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। असफी नाश्ता तो करके जाओ। भाभी पहली क्लास प्रोफेसर शमसी की है, लेट हो गया ना तो अंदर घुसने नहीं देंगे वो। और सुनो जरा गाड़ी तमीज से चलाना, वो तनवीर साहब बता रहे थे कि बड़े खतरनाक कट मारता है आपका बेटा। हैं? तनवीर अंकल को बोले कभी अपने बेटे पे भी निगाह मार लिया करें, कल चौक पे जुतियां पड़ी हैं उसे ठेले वाले से। वो क्यों? मस्ती कर रहा था, अगले ने खुन्ने सेक दिया। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी, इनकार हो गया? अच्छा आप हौसला करें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। या अल्लाह खैर कोई नया मसला तो नहीं हो गया? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा मैं आता हूँ ठीक है। बिट्टू आपा के रिश्ते से इनकार हो गया। इनकार हो गया, मगर क्यों? अब ये तो जाकर ही पता चलेगा। अब भाई मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ चलो। चलिका अगर आज तुम टाइम निकाल लो तो जरा मार्केट का चक्कर लगाया। पहले अपनी बड़ी नूह से पूछ लें, हाँ उनसे एडवाइस ले लें, वरना उनको लगेगा कि खुदे लाइन आपने लगा दिया उन्हें। और इन्हीं पंचायतों में ना निकाह का दिन आ जाना है सर पे। माँ जी आपको कितनी बार कहूँ, आपकी इन्हीं बातों से ना मैं बड़ी हर्ट होती हूँ। बिट्टो मेरी लिटिल लिटिल सिस्टर है, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी बाय गॉड। अच्छा अच्छा ठीक है, जाती हूँ तन्नो से मशवरा करने। मुनीर जी कह रहे थे बिट्टो को निकाह पे बड़ी गाड़ी देंगे। हाँ और मैंने तो सोचा है 1.5 तोले का कड़ा पहनाऊंगी मैं। हाँ शरीके सरे। हाँ ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बी अम्मा बिट्टू आपा वाले रिश्ते से इनकार हो गया है। हाय अल्लाह जी नया स्यापा। अल्लाफ़ अम्मी। हाँ। अम्मी क्या हो गया, मेरा क्या कसूर है? ना तुझे किसने कहा था मानो कि छमक छलो बन के उनके सामने आ जा। अम्मी आप भी हद करती हैं, उसे तस्वीर में देखकर पसंद किया है, मुझे घर थोड़ी आया था वो, हाथ लगे मेरे वो, ऐसा मुंह तोड़ूंगी ना उसका। रहने दे तू, है अभी तो उन्होंने हमारे मुंह बंद कराए हुए हैं, टूटी कुज्जी जैसा मुंह बना के सारे खुडे लाइन लगे हुए। वैसे बेचारी बिट्टो आपा पे क्या गुजर रही होगी? रहने दे उसके ऊपर कुछ नहीं गुजरी, बड़ी ढीठ है वो, परोठे खा रही है चाय में डुबो डुबो के। अच्छा आप क्यों अपना दिमाग गरम कर रही हैं?
कोई अच्छी जगह उनका रिश्ता हो जाएगा, ये इसको छोड़। ना कैसे छोड़ दूं? अपने मामू की शक्ल नहीं देखी तूने? ऐसी बत्तियां चमक रही है उसके ऊपर, W11 की बस लग रहा है वो। अल्लाह अम्मी, तो आप जाके बुझा देना, मुझे यूनिवर्सिटी से देर हो रही है। लो आ गए ये लोग भी हमारे घर में पोली पोली टोलकी बजाने के लिए। वो आई एम सॉरी, अब्बा मियां की कॉल आई थी, जरूरी काम था उन्हें। इट्स ओके फराज भाई, अंदर चले जाएं। तुम कहां? देर नहीं हो रही तुम्हें यूनिवर्सिटी से? देर तो हो रही है भाई, लेकिन अब्बा मियां से मिलना था ना। बाद में आके मिल लेना, और मानो तुम भी जाओ यूनिवर्सिटी। सुनो, गली के नुक्कड़ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाना। क्यों, डर लग रहा है? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर गली के नुक्कड़ पे क्यों बुला रहे हो? यहीं से लेकर जाओ ना। ऐसी बात है तो चलो। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ मेरा हाथ। कहा था ना चैलेंज मत किया करो, अब चलो। तुम्हारे दिमाग की बत्ती तो गुल नहीं हो गई? सुबह सुबह 400 वोल्ट का करंट लगा है खाला। खाला मैं बच्चों की, तुम्हारी नहीं। कोई देख लेता तो? और कोई नहीं देखता, दोनों घरों में ना सोग मनाया जा रहा है मंगनी टूटने का। वैसे कैसे टूटी मंगनी? लगता है कुकु मामू ने कोई स्टंट मार दिया है। कोई स्टंट नहीं किया उन्होंने, मेरी वजह से हुआ। यानी तुम फिर से मैदान मार गई? वाह मानू शुजा, मान गए तुम्हें। बहुत दलेर हो तुम, आशियाना नूर की चीती। कोई दलेरी नहीं दिखाई मैंने, पूरी बात तो सुन लिया करो। अच्छा तो फिर कैसे टूटी मंगनी? कोई और लड़की पसंद आ गई हमारे होने वाले फूफा साहब को। वाओ ग्रेट, कौन है वो बदनसीब? महनूर शुजा। मजाक ना करो, सच सच बताओ। सीरियसली तुम पसंद आ गई हो हमारे होने वाले फूफा साहब को? खाओ मेरे सर की कसम। क्यों, मेरे सर पे सींग लगे या कांटे लगे मुझ में जो मैं किसी को पसंद नहीं आ सकती? ओह माय गॉड, तुम, यानी कि तुम पसंद आ गए? इसमें हंसने की क्या बात है? हंसी मुझे ना हमारे होने वाले फूफा साहब के टेस्ट पे आ रही है, अग्गे तो नहीं है कहीं? अच्छा यार, मजाक था यार, बैठो वापस गाड़ी में। जाओ यहाँ से, सीरियस हूँ मैं। मेरे साथ सीरियस ना होना मानू शुजा, इश्यू हो जाएगा। अरे बाप की गाड़ी है तुम्हारे? मेरे बाबा की ही थी ये गाड़ी। पॉइंट तो है वैसे। अब रुको। भाई साहब, वो जो सामने लड़की गुस्से से लाल टमाटर बनी हुई जा रही है ना, उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने। ये ले पैसे, कीप द चेंज। क्यों आ गए हो यहाँ पे? यार कुकु मामू प्लीज समझाएं इन्हें। और मैं तो एक घंटे से समझा रहा हूँ, वो दुनिया का आखिरी मर्द नहीं था। अल्लाह पाक ने बतूल का रिश्ता कहीं और लिखा होगा। मेरी बेटी के साथ क्यों होता है फिर? अब मियां, सब कुदरत के फैसले हैं, इसमें भी कोई ना कोई मसलियत होगी। मसलियत? क्या मसलियत होगी इसमें? अरे उम्र गुजरती जा रही है उसकी, दोनों भाई जो है उसके वो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। अरे सोचो कल को मुझे कुछ हो गया, कौन उसका वाली वारिस होगा बेटा? मैं है? अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो। दीवारें चीन से भी ज्यादा बुलंद है तुम्हारी बहन की नफरत की दीवार। बुरा मत मानिएगा बमिया, मेरे मोहब्बत की माउंट एवरेस्ट से बड़ी नहीं है उनकी नफरत की दीवार। अरे कुकु मामू, अफसोस की बात तो यह है कि हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। इतना तो कर सकते हैं कि किसी मस्जिद में हम दोनों के निकाह ही पढ़वा दे खामोशी से। प्लीज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? आप एक दफा ठंडे दिल से सोचिए तो सही प्लीज। अरे यार बच्चों से पूछे बगैर मैं इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। छोड़ दे उन सबको अब्बा मियां, अपनी दुश्मनियां निभाते हुए उन्होंने आपसे कभी पूछा है? और आप अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उनकी तरफ जा रहे हैं? माजरत के साथ, उनके किबले कभी दुरुस्त नहीं होंगे जिंदगी भर। बात तो ठीक कर रहे हैं कुकु मामू, और इसमें हर्ज भी कोई नहीं है। कुकु मामू से बेहतर कोई नहीं मिल सकता बिट्टू आपा को। आप खामोशी से करें आज ही मेरा निकाह, खुदा दी कसम
इज्जत और वकार के साथ लेकर जाऊंगा आपकी बेटी को इस घर से, ये वादा है मेरा आपके साथ। हाँ भाई कितने हुए? बाजी किराया तो हो गया। क्या किसने दिए? वो चिट्टे वाले साहब ने। आदाब अर्ज है। बहुत फजूल हो तुम इसे। अच्छा यार अब नहीं हंसूंगा, लेकिन बताओ तो सही उसके बाद क्या हुआ घर में? किसके बाद? तुम्हें जब पसंद कर लिया था लोगों ने। बिट्टू आपा के अलावा सब शदीद गम में, और अब मुझे नहीं पता वहां क्या होगा। मगर ये कैसे हो सकता कबीर मियां? बिल्कुल हो सकता है बम्मी, अगर दोनों घरों की किसी खातून को शामिल ना किया जाए इस मामले में, आप जरा सोचिए तो सही ही। लेकिन यार कुकु मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ही स्टैंड लेकर इस मसले को हल करा सकते हैं। यार मगर तुम्हारी भी अम्मा कभी नहीं मानेंगी ना, फिर तो बिट्टू आपा का मसला यूं अटका रहेगा। मेरी माँ ने खामोशी से निकाह पढ़वा दें, थोड़ा बहुत शोर मचाएंगे लेकिन बाद में सब कुछ सेटल हो जाएगा। और वैसे भी मैंने तो मिसेस को दुबई लेकर जाना, तो कौन कितनी देर तक खफा रह सकता है। लेकिन तबस्सुम के बगैर कैसे कर सकते हो इतना बड़ा फैसला? अब्बा मियां जिंदगी के बाद फैसलों में कड़वा घूंट भरना पड़ता है, आप अपनी बेटी की भलाई का सोचें। आपको जो गारंटी चाहिए मैं देने को तैयार, जो भी हक मेहर में लिखवाना चाहते हैं आपका हक है, मैं सब देने को तैयार हूँ, घर गाड़ी बंगला सब कुछ। मैं जज्बाती होकर तो ये फैसला नहीं कर रहे। जज्बाती होकर फैसला करता ना तो 5 साल पहले करता, इतने सालों से अपने बुजदिली पे ना पछताता। इतना तो एहसास हो गया है मुझे कि ख्वामखाए के झगड़े में मेरे और बतूर के 5 साल जाया हुए और किसी को एहसास तक नहीं है। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन थोड़ा वक्त तो मुझे सोचने के लिए। वक्त नहीं है बमिया, तुम्हें क्या लगता है अब्बा मियां मान जाएंगे ना? इंशाल्लाह लग तो रहे कि मान जाएंगे, आप हिम्मत पकड़े रखें। मैं जा रहा हूं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन लोगों की हरकत पर। ऐसे हरकत तो वाकई गलत की है बिट्टू आपा के ससुराल वालों ने। यार तुम बोलो तो तुम्हारे फूफा जान को उठवा ना दें। अपने फ्लॉप मशवरे अपने पास रखो। ये क्या शुरू होने से पहले खत्म हो गया? ये चीप हरकतों में तो तुमने PhD की भी है। अपनी क्लास वालों का एटीट्यूड चेक किया तुमने? एक रिश्ता क्या आ गया, आंखें ही माथे पे रख ली इसने तो। तुम्हें दोबारा भी मुझसे काम पड़ सकता है वैसे। यार मानूर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ना बिल्कुल ही खराब है। कम से कम ये बात तो एंजॉय कर लो कि बिट्टू आपा वाली बला तो टली हमारे सरों से। लेकिन उस मनहूस से मेरा ही नाम क्यों लिया? तो और किसका नाम लेता है, तहनियत आंटी का? अस्तगफिरुल्लाह। वेरी फनी, बहुत हंसी आई मुझे। यार वैसे तुम दोनों क्या जुगाड़ लगा रहे हो आजकल, मतलब बड़ा दोस्ती का सीन ऑन हुआ है। एक सेकंड। सॉरी भाई की कॉल है, तुम लोग कैंटीन जाओ ना पार्टी करते हैं। हेलो जी भाई। हाँ जी अभी क्लास से फारिग हुआ हूँ। क्या अभी इस वक्त? खैरियत तो है जी, मैं आता हूँ। सॉरी गाइस मुझे भाई के ऑफिस जाना होगा। खैरियत? ये तो जाकर ही पता चलेगा। लेकिन मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो अपनी गाड़ी भी नहीं लाई। मैं ड्रॉप कर दूंगा, टेंशन ना लो। सॉरी मुझे तुम्हारी खटारा बाइक पर नहीं जाना। चलो यार लेट्स मूव, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके फिर ऑफिस चले जाऊंगा। नहीं नहीं मैं खुद चले जाऊंगी। खैर यार लेकिन पार्टी कैंटीन सुबह नाश्ते पे आ जाना, मुझे मस्त चाय पापे खिलाना है। यार ये तो मैं रोज खाता हूँ यार। हैं? अच्छा वाह ज़किया खाला, क्या जबरदस्त रिश्ता बता दिया आपने हमारी बेटों के लिए। हम तो चिराग लेके भी निकलते ना तो ये रिश्ता नहीं ढूंढ सकते थे। आप वाकई बहुत खानदानी औरत है। हाँ हाँ बस हमारी तरफ से आप हाँ समझे, बस मैं अपने ससुर से ना थोड़ा मशवरा कर लूँ तो फिर मैं आपको फ़ोन खड़काती हूँ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब्बा मियाँ
मैंने आपको कहा था ना, जब भी अल्लाह देता है छपर फाड़ के ही देता है। ऐसा कौन सा कारून का खजाना दिया है? अब अमिया वो ना हमारी बेटों के लिए जकिया खाला ने इतना अच्छा रिश्ता बताया, इतना अच्छा रिश्ता बताया, अल्लाह की करनी देखे हैं। आज ही एक इसका रिश्ता टूटा है और दूसरा अम की तरह हमारी गोद में आके गिर गया है। अच्छा, इस अम का कोई हदू दरमा है? जरा रोशनी तो डाले। लड़का जो है ना वो मर्चेंट ऑफिसर है। अच्छा, इसलिए बहनों ने शादी में इंटरेस्ट नहीं लिया। जरा एज क्या होगी उसकी? अब्बा जी को ज्यादा उम्र नहीं है, बस ये 50-55 के दरमियान है। पहली शादी है उसकी? नहीं नहीं अब्बा जी, यकीन है दूसरी शादी होगी। पहली बीवी का इंतकाल हो गया होगा। खैर से कितने बच्चे उसके? अब्बा जी 3 है बच्चे, सब छोटे छोटे हैं, कॉलेज स्टूडेंट है। ओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो, पालने का झंझट ही मुक गया। पहली बीवी मर गई थी या छोड़ दिया था उसने? नहीं नहीं अब्बा जी, छोड़ के तो दूसरी वाली गई थी, शायद बच्चों की वजह से चली गई। मरी पहली वाली थी। वाह, तीसरी शादी, 3 बच्चे हैं, ये तो बतूर की लॉटरी लग गई। क्यों अब्बा मियां? ना अब्बा मियां, बात तो ना तू मुझे बता, है क्या मसला है? इतना अच्छा रिश्ता है, खाता पीता लड़का है, खाता पीता घर वाले हैं। कहते हैं ना, जिनके घर दाने उनके तो कमले भी सियाने। लगता है शर्मा आ गई है। एक काम करें, बतूल को छोड़ें, मानो की करा दें। बड़ा तू बगैरत मामा है, खबरदार मेरी बच्ची का नाम लिया है भी। इनकी तो नाक पे कोई मक्खी नहीं बैठती है। जिस रिश्ते को देखो टकरा देते हैं, अब मटर छोड़ के चली गई, ये काम भी मैं ही करूं। हो जाएगा बेटो आपा का रिश्ता भी। अम्मा क्यों परेशान हो रही हैं? तुम सच पूछो ना, मैं तो बिल्कुल मायूस हो गई हूँ। मायूसी गुनाह है भी अम्मा। पता नहीं अल्लाह ने क्या सोचा है मेरी बेटी के लिए। हाय मैं मर गई, तौबा तौबा, वड्डे सरां दी वड्डी गल्लां, तन्नू ने तो हद ही मुका दीती है। क्या हो गया चाची? क्या हो गया, नया चंद चढ़ाने की कोशिश की है, खाटा शर्मो हया हर चीज का। पहलियां क्यों बुझवा रही हो? साफ साफ बात करो ना। मैं क्या साफ साफ बात करूं? तन्नो का तो बस चले ना, तो रोड पे चलता हुआ पहला अंधा काना लूला लंगड़ा किसी से भी ब्याह करा कर ना बिट्टो को रुखसत कर दें। अरे हुआ क्या है ये तो बताओ। 55 का बुड्ढा खूसट, 2 बीवियां मर चुकी हैं, उसके साथ ट्राई मार रही है रिश्ता टांका फिट करने का। अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया मैं बताती हूँ, वेरी स्केर्ड। उसके दिल में खौफ है कि वो जो कुकू की नींद की गोली खाकर सोए हुए जज्बात है ना, वो दोबारा वेकअप ना हो। भाई क्या कह सकते हैं, अल्लाह हिदायत दे। माँ जी बंदा थोड़ा सा ख्याल करता है, आप फौरन जाएं बिट्टो को यहाँ ले आएं। गुड़ वाली गचक जैसी बूथी बनाकर बैठी होगी बेचारी। सच पूछो ना, तो मुझ में आप हिम्मत ही नहीं है बिट्टो का सामना करने की। फराज भी कुछ बता के ही नहीं गए, वहीं से ऑफिस चले गए। शहजादी जाके रोटी डाल है, बच्चों का स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया है। ठीक है चाची। माँ जी अगर आप इजाजत दें ना, तो बिट्टो के रिश्ते के बारे में मैं बात करूं कुकू से, बड़ी इज्जत करता है मेरी। भाई इज्जत तो वो बेचारा सबकी करता है, लेकिन तन्नू के आगे उसकी भी नहीं चलती। नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं, मर्द चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मेरी सगी खाला का बेटा है, है हमारे हाथों में पला हुआ है, इसको इस तरह से सिंगल लूट लूट फिरते हुए ना मेरा कलेजा मुंह में आ जाता है। बस छोड़ो बेटा, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बिट्टो का फैसला तो मैंने रब पर छोड़ दिया, अब वही कोई हल निकालेगा। माँ जी रब भी तो कहता है ना ट्राई खुद मारो। अभी सोचने की गुंजाइश है क्या? दिमाग घुमा दिया तन्नू ने हमारा। वो तो आपकी बेटी का किसी जान बुरे के साथ ब्याह करा देंगी, और बेटी आपकी खैर सुधा अल्लाह मियाँ की गायें उब तक नहीं करेगी। चलो तुम हमारे साथ फराज के दफ्तर अभी चलो। चले ना, मैं चाबी लेकर आता हूँ, आप चले। हाँ आओ। हाँ जी सखिया खाला, पता है मुझे अच्छी तरह। हाँ देखूंगी कौन सा शहजादा आता है शहजादी के लिए। बड़ी कोकाफ की परी आ गई है, देखती हूँ ना कौन से आसमान को टाकी लगा के आते हैं मेरे सास ससुर। हाँ ये
आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैं और कुकू फराज के ऑफिस जा रहे हैं। फराज भाई के ऑफिस में ऐसा क्या हो रहा है कि हर कोई उन्हीं के पास जा रहा है? अरे छोड़ो बात, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अंदर जा रही हूँ। तुम जल्दी जाओ, देर हो गई भाई। अच्छा ओके। एक तो मेरी जूतियाँ घिस गई हैं, जूतियाँ घसा घसा के आपकी बहन के लिए मैं रिश्ता ढूंढ रही हूँ, और आपका गुस्सा है कि वो कम ही नहीं हो रहा, ऊपर से वही जूतियाँ मेरे सर पे पड़ रही हैं। सुन ले शुजा अहमद साहब, मेरे से ना अब ये रिश्ते वाली पोरी पोरी टोलकी नहीं बजाई जाती। खसमानों खाओ सारे, जाके खुद ही आपे रिश्ते जाके ढूंढो। क्या हुआ अम्मी? मेरे तो अपने घर वाले मेरे दुश्मन है, मेरे अपने भाई ने मेरा दिल दुखाया इस बिट्टो की वजह से। इस बिट्टो को तो अल्लाह पूछेगा, देखना। क्यों, अब ऐसा क्या कर दिया बेटो आपने? ना इनकी इतनी लंबी नाक के नीचे इनको रिश्ता ही नहीं पसंद आ रहा है। मैं ही पागल हूँ जो टकरे मार रही हूँ दीवार में। ये मेरे घर से जाती अच्छा खासा रिश्ता कैसे टपक पड़ा? वाकई बहुत अच्छा खासा है। 3 बच्चों का 55 साल बाप है जो तीसरी शादी करना चाह रहा है मुझसे। क्या दिमाग तो खराब नहीं है उसका? आहिस्ता बोलो, तन्नो भाभी ना सुन ले। उनसे तो मैं भी जाके पूछती हूँ। नहीं मानो, प्लीज मत जाना, छोड़ो ना, चलो तुम रहने दो, चलो। कम से कम बी अम्मा को तो शामिल कर लेते इस प्लान में। तुम्हारा ख्याल है वो मान जाती? ये कोई छोटी बात नहीं है अब्बा मियां। अरे यार जैसी तन्नो की बातें सुन सुन के ना दिमाग मेरा खराब हो चुका है, चुप कर जाओ। क्यों टेंशन ले रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे ठीक होगा? अब्बा मियां निकाह खान से बात हो गई मेरी, मगरिब के बाद का टाइम दिया बस। बतूर से तो कोई पूछ ले एक बार। फराज भाई कम से कम भाभी को तो बता दें एक निकाह होने जा रहे हैं, कहीं दूसरा टूट ही ना जाए। तुम्हें बता दिया ना, इतना काफी है। यार तुम्हें कहा था इसको बीच में शामिल मत करो। इसी के दोस्त के घर पे तो निकाह हो रहा है, तुम अपनी जबान कंट्रोल में नहीं रख सकते। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगा गौहर से। बता देना उसे कि मालू के साथ बात करने ना बैठ जाए, वो पागल थोड़ी है। वो बिट्टो को लेने कौन जाएगा है? मेरे साथ तो नहीं आएंगे कम से कम, वो पिछली बार छापा जो मार दिया था आपने। अच्छा मैं पिक कर लूंगा उन्हें किसी बहाने। रास्ते में ना निकाह का भी बता दीजिएगा, ऐसा ना हो निकाह खुआ के सामने हम सबकी बैंड बजा दें वो। मैं ना गौर से बात करके आता हूँ। एक बार उस चुड़ैल को तो बता दो वरना खून पी जाएगी मेरा और मेरी 7 नस्लों से लेगी इस बात का इंतकाम। कहाँ मर गई जंगली बिल्ली, फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ भाई यशवीर, वो बात हुई तुम्हारी गौर से? बात तो मैं कर लूंगा भाई, लेकिन आपको पता है दोनों घरों के दरोबान हिल जाएंगे जब ये निकाह डिस्क्लोज होगा। अल्लाह मालिक है यार, हमारी नीयत साफ है वैसे भी, अब जो होगा देखा जाएगा। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, करता हूँ गौर से बात। कपड़े इस्त्री कर रही हो? चलो कर लो फिर, मुझे भी करने हैं। क्यों आप कहीं जा रही हैं? हाँ फराज का फोन आया था। उनको क्या काम पड़ गया? कहीं लेकर जाना है मुझे। कहाँ? शायद सोच रहा हूँ मैं रिश्ते की वजह से डिप्रेस हूँ इसलिए बहलाने ले जा रहा हूँ। मानो फोन कर अपने मामे को, पता करा दोपहर से किसका मामा बन के बैठा हुआ घर से बाहर। आप खुद क्यों नहीं पूछ लेती अम्मी? क्योंकि उससे लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। खैर दुश्मनी तो आप कर रही हैं, आपको जेब देता था किस तरह का रिश्ता अब्बा मियां से डिस्कस करें? लो तुझे भी पट्टी पढ़ा दी बिट्टो ने। भाभी आप क्यों दूसरों का गुस्सा मुझ पे उतार रही हैं? बताओ मानो क्या कहा है मैंने तुमसे? अम्मी बिट्टो आपा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पीछे ही पड़ गई हैं आप इनके। इसकी वजह से कुकू ने आज जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे साथ बदतमीजी की है। उसने तो जरा सी बदतमीजी की है, और आप जो पूरी जिंदगी दांव पर लगा रही हैं मेरी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ना कौन सी मैं जिंदगी दांव पर लगाने लग गई हूँ तेरी है? जगह जगह तेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ जो तुम लोगों की लंबी नाक के नीचे पूरे ही नहीं आ रहे हैं। आप अपनी बेटी का रिश्ता करेंगी ऐसे? चुप कर, तू ना ज्यादा जबान चलाया कर मानो, तेरे और इसके हालात में बहुत फर्क है, हैं? तू इतनी पढ़ी लिखी है यूनिवर्सिटी जाती है, ये तो इतना पढ़ी भी नहीं है, ऊपर से इसकी मंगनी भी टूटी हुई है। भाभी फर्क सिर्फ दिलों में होता है, और आपने तो हमेशा से बुक्स पाला हुआ है मेरे साथ। अच्छा चलो मैंने पाल लिया तुझसे बुगज, दूसरी भाभी के बारे में क्या ख्याल है? सलीका चेती जो तेरी है उसने कौन से तेरे लिए रिश्तों की लाइनें लगा दी है? अम्मी अब आप ज्यादती कर रही है। ज्यादती कर रही है। तुम फोन करके पता करो फराज घर पहुंचा कि नहीं। ओके। किसका फोन है? मानो की। तो बात करो, अरे यहीं रुक के बात करो। भांजी
आज ये फनकारियां नहीं चलेंगी आज। हेलो हेलो इस्फी, कहाँ हो तुम? तुम क्यों पूछ रही हो? बेटा फिर प्रॉब्लम हो गया है। कैसा प्रॉब्लम? वो अम्मी और बिट्टू आपा में झगड़ा हो गया और बिट्टू आपा शायद मेरी अम्मा के पास चली गई हैं। तुम प्लीज उनको रिलैक्स करो ना। ओके डोंट वरी, अब मैं फोन पे बात करता हूँ उनसे। बाय। क्या हुआ? झगड़ा हो गया था अम्मी और बिट्टू आपा का। जो आज आखिरी झगड़ा है। तुम तो चुप करो यार, तुम फराज को फोन मिला के मुझे कहाँ पहुंचा? सबको आज ही फोन करने हैं। हेलो तबस्सुम, हाँ मैं दोस्त के पास हूँ, मसरूफ हूँ, बस घर पहुंच के आपको फोन करता हूँ। हाँ बाय। क्या अब्बा मियाँ, एक ही फोन कॉल से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। बको मत, मजाक मत करो मुझसे, सहेली नहीं हूँ तुम्हारा, दादा हूँ मैं तुम्हारा। चलो भैया, तू अपने साथ मुझे भी मरवाएगा? तेरे मामू के साथ थोड़ी हो रहा है बेटो पापा का निकाह, मेरे घर पे तो हो रहा है ना। और जिस दिन ये बात मानूर को पता लगी ना, उसने मुझे गोली मार देनी है। बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना यार उसे। खुदा के लिए उसे ये ना बताना कि ये चांद मेरे घर पे चढ़ा है। बिल्कुल बताऊंगा, मैं अकेले नहीं फंस रहा बेटा, तुझे भी तोहफे में मिलेंगे जिल्लत के लड्डू। यार बड़ा ही कोई फिल्मी खानदान है यार, जो अपनी सगी बेटी का निकाह करवा रहे हो भी चोरी छुपे। चुप कर जा वरना एक घुमा के दूंगा और एक और फिल्म शुरू हो जाएगी यहाँ। यार फराज भाई को फोन कर, दुल्हन की डोली लेके जल्दी पहुंचे, इससे पहले कि मेरी अम्मा और वो बबली की बच्ची शॉपिंग करके वापस आ जाए। बेफिक्र है, चार घंटे से पहले नहीं आते वो लोग। अरे बबली की शॉपिंग है, कोई मजाक थोड़ी। पॉइंट। अब बस दुआ कर वो चलाती बच्ची फोन उठा ले। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी देर क्यों कर दी आपने? अरे भी ऑफिस में फंस गया था, थकावट हो रही थी, अच्छी सी कॉफी पिला दो तो मजा आ जाए। अब भी लेके आती हूं। चापाश। हेलो 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 जी, कौन बात कर रहे हैं? अंकल मैं गौहर बात कर रहा हूँ, महानूर का क्लास फेलो, उससे बात हो सकती है मेरी? नहीं वो अभी किचन में है, वापस आती है तो मैं बात करवाता हूँ। चले ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं। ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा भला लड़का था, इसका नाम मास्टर के नाम से क्यों सेव किया हुआ इसने? ये किसका घर है, यहाँ क्यों आए हम? आपका निकाह है आज कुकु मामू के साथ। मेरा निकाह कबीर के साथ? अब्बा मियाँ की रजामंदी के साथ हो रहा है। दिमाग तो नहीं चल गया तुम सबका? इन हालात में यही बेस्ट है। तन्नो भाभी मेरा खून पी जाएंगी और मैं अम्मा की रजामंदी के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। चलो वापस। अरे अम्मा को बीच में नहीं डाल सकते ना, समझने की कोशिश करें, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ जी पहुँच गई मेरी सवारी। आप लोगों के पास 10 मिनट है, अपनी सवारी को खुद कन्विंस करें, निकाह आने वाला है। बतूल तुम्हें जो भी सिक्योरिटी लिखवानी हो ना लिखवा लो, मैं साइन कर दूंगा। मुझे ऐसे छुपके निकाह नहीं करना। निकाह तो आज ही होगा, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना तो इनकार नहीं करोगे। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? जो भी हो, 5 साल पहले मैं भागा था, अब तुम्हें नहीं भागने दूंगा बतूल। वो हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। लेकिन 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 छट बतूल, ट्रस्ट मी, तुम्हारी खातिर सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। इसलिए सारी दुनिया से छुपके निकाह कर रहे हो? छुपकर सिर्फ निकाह कर रहा, रुखसती तो सारी दुनिया के सामने करूंगा, ये मेरा तुमसे रब्बा में से वादा है। अरे आज मौली साहब, आज आज मौली साहब को ले आए मामू जी। मौली साहब ये है दूल्हा, ये है दुल्हन, इनका निकाह करवाना है। ठीक है चले चले चले, निकाह से पहले बातें करनी है सारी, निकाह की बात कर रहा। ठीक है ये ले बाबा, सारी थकन उतर जाएगी आपकी। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू सो मच। अरे भाई अच्छा भला लड़का है ये गौहर, तुमने इसका नाम मास्टर के नाम से क्यों सेव किया हुआ? आपको किसे बताया? कौन है? क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही? अरे नहीं बाबा, ये बहुत ही पका हुआ है गौहर का बच्चा, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उसको मेरा असाइनमेंट चाहिए कॉपी पेस्ट करने के लिए,
इसीलिए तो उसका नाम मॉन्स्टर रखा है। जिस बात के पीछे पड़ जाता है ना, हटता ही नहीं है। चिपकू है बहुत। अच्छा भाई, ये तुम्हारी अम्मा कहाँ है भाई? मुट्ठी खुआ उनका? वो तो जकिया खाला के घर गई है। और बाकी लोग? अब्बा मियाँ कुकू मामू के साथ गए किसी काम से, और बिट्टू आपा शायद फराज भाई के साथ गए किसी काम से। फराज के साथ कहाँ? ये तो वो आके ही बताएंगी। ये कुकू भी ना पता नहीं कहाँ चला गया आज। तो खैर, कॉफी अच्छी बनाई। थैंक यू बाबा। शाबाश, पढ़ो आओ, पढ़ो तुम। जी। चंगा बता रहे हैं आप मुनीर जी, पर पहले कौन से ठट्टे कुएं में छुपा हुआ था आपके दोस्त का साला? अरे भाई, हर चीज के लिए वक्त लगता है सलीका, और वैसे भी अपनी सगी बहन के लिए बात करता हुआ बंदा थोड़ा सा अजीब ही लगता है। एमी अजीब लगता है, कुड़ी को ब्याना है हमने, भगाना तो नहीं है। हिम्मत कैसे मारी है आपने? सोहेल ने जिक्र किया अपने साले का, तो मुझे अचानक बिट्टू याद आ गई, बस मैंने भी हिम्मत मार के बात कर ही ली। फैक्ट्री अपनी है उसकी? अरे हाँ हाँ, फैक्ट्री ही नहीं, डिफेंस में बंगला और कई प्लॉट भी हैं उसके, और ना कोई आगे है ना पीछे, अकेली राज करेगी बिट्टो। अरे मुनीर जी, मैं तो कहती हूँ सुपाई बुलवा ले उन लोगों को, जल्दी से वो बिट्टो को देखे ताकि मामला आगे बढ़ाएं। और एक बहुत जरूरी बात बता रही हूँ, माँ जी को भी बता दूंगी, जब तक ये रिश्ता सिरे नहीं लगता ना, कोई लोड़ नहीं सज्जे खब्बे धमाल डालने की। मोने चाचा, फराज फोन ही नहीं उठा रहे, और असफी भी अभी तक घर नहीं आया यूनिवर्सिटी से। हाँ, कॉल आई थी फराज की मुझे, वो असफी को लेके जरा साइट एरिया की तरफ गया है किसी काम से। अच्छा, वैसे आप फराज को कहे ना असफी को अपने साथ लगाए, उसका लाओ बालीपन जरा कम हो। हाँ हाँ, कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा।
शुक्र है अब्बा मेरे साथ जाने की इजाजत दे दी। क्या जरूरत थी ये फरमाइश करने की? हाँ निकाह के बाद तो गिफ्ट बनता ही है ना। अच्छा चलें जल्दी करें ना, मुझे देर हो रही है, घर भी जाना है। अब तुम्हारा घर वही है जहाँ मैं हूँ। सबसे बड़ा पागल मैंने इस दुनिया में नहीं देखा, चलें। बतूल मोहब्बत चीज ही ऐसी है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बतूल, ऐसे लग रहा ख्वाब देख रहा हूँ। हम रुक क्यों गए हैं, चलें। अब तो ये कदम तभी चलेंगे जब मैं तुम्हें रिंग पहनाऊंगा। वो मैं खुद ही पहन लूंगी, गाड़ी में बैठ के भी चलें, देर हो रही है। बतूल तुमसे अनरोमांटिक कोई भी नहीं होगा। हाँ वो आ रहा है, और दो मिनट से कूटू दे दो यार, आ रहा हूं। तो सारा जमाना ही जालिम समाज हो चुका है। मैं तब तक नहीं उठूंगा अब्दुल जब तक मैं ये तुम्हें रिंग ना पहना दूं। जल्दी करो पहनाओ।